अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां नवरात्र के अवसर पर सोमवार को जहां मां के पंडालों पर देर शाम तक हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं दूसरी ओर देर शाम से पंडालों पर हलवा पूरी का प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम भी जोरों पर देर रात तक चलता रहा। इस दौरान नगर पंचायत में एक बार फिर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई। नगर पंचायत के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अजय यादव उर्फ श्याम यादव अपनी लाभ लश्कर के साथ पंडालों पर पहुंचकर सेवा भाव से भक्तों को प्रसाद वितरण करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लोगों की भारी भीड़ के बीच उन्हें सेवा का अवसर प्रदान हो रहा है, जिससे उन्हें सुखद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने तथा विकास की गंगा बहाने की संकल्पना व्यक्त की। पंचायत के जितने भी जो इस नवरात्र के कार्यक्रम को बलिदान तरीके से अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से पूरे नगर पंचायत वासियों ने नवरात्र का कार्यक्रम खत्म किया है। हम सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। सारे लोगों ने जिस तरीके से शांति व्यवस्था के साथ नवरात्र का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, इसके अवसर पर हम सभी साथियों को, नौजवान साथियों को, पिता तो बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। और आने वाले समय में आपको कहना चाहते हैं कि इससे और भी अच्छे तरीके से नवरात्र का कार्यक्रम हमारे पूरे नगर पंचायत में मनाया जाएगा। और आपको कहना चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई अजय यादव श्याम चेयरमैन पद प्रत्याशी लड़ाई लड़ने के लिए रात दिन जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आने वाले समय में आप लोग हमको काम पूरे नगर पंचायत में हो रहा है, जहां भी कालो अवसर पर सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना जमा।